हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे ग्रीन किचन में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज की रेसिपी है चिकन बुखारा रेसिपी। आप इसके इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। हमने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, हल्दी 1/3 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और सॉल्ट 1 टीस्पून। यहाँ पे हमने लिया है चिकन 500 ग्राम्स और कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून और एग 1 लिया है हमने और लेमन जूस 1 टेबलस्पून। तो चलिए यहाँ पर हम चिकन लेंगे और ऐड करेंगे सभी मसाले जो हमने दिखाया था। अब हम ऐड करेंगे लेमन जूस 1 टेबलस्पून और एग 1। अब हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हम अच्छे से चिकन को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए इसे हाफ एन आवर तक रेस्ट के लिए रख लेंगे या आप 2 से 3 घंटे के लिए भी रेस्ट के लिए रख सकते हैं। हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख लिया है। तो चलिए आधे घंटे के बाद हम चिकन को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो चलिए अब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन आने तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन जो है थोड़ा थोड़ा फ्राई हो रहा है। तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो चलिए इसे एक प्लेट में ले लेंगे और साइड। तो यहाँ पर हम ग्रेवी के लिए इंग्रेडिएंट्स लेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे ऑनियन 2 मीडियम साइज्ड ऑनियन, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून, सॉल्ट 1/3 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून और दही 1/2 कप। और यहाँ पर हमने 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है, यानी कि टोमेटो प्यूरे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश्यूनट का पेस्ट, इसमें हमने 15 कैश्यूनट्स और 3 ग्रीन चिलीज को डालकर अच्छे से पेस्ट बना लिया है। तो इसे भी ग्रेवी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम उसी कढ़ाई में ऐड करेंगे ऑयल। 1/3 कप ऑयल लिया है, जो ऑयल हमने चिकन को फ्राई करते वक्त यूज़ किया है उसी ऑयल को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम ऐड करेंगे ऑनियन, 2 मीडियम साइज्ड ऑनियन को लिया है। अब हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून और जिंजर गार्लिक पेस्ट का रॉ स्मेल जाने तक अच्छे से कुक कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे मसाले जो हमने बताया था, जैसे कसूरी मेथी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट और हल्दी, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे टमाटर का प्यूरे। 2 मीडियम साइज्ड टमाटर को हमने अच्छे से पेस्ट कर लिया था, तो इसे भी ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे कैश्यू नट्स
वाला पेस्ट यानी कि कैश्यू नट्स 15 लिए हैं और ग्रीन चिलीज 3 डालकर इसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट में बना लिया है, तो इसे भी ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे दही। आधा कप दही डालते समय थोड़ा सा लो फ्लेम रखिए, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कैश्यू नट्स के पीस में और टमाटर के पीस में ब्लेंडर में थोड़ा सा पेस्ट बचा हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो चलिए लिड लगा के ग्रेवी में थोड़ा सा साइड्स में ऑयल सेपरेट होने तक कुक कर लेंगे। यहाँ पे ग्रेवी में ऑयल सेपरेट होने के बाद हम फ्राई किया गया हुआ चिकन को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे। आधी मीडियम साइज्ड ग्लास वाटर हमने ऐड किया है। ऑलरेडी हमारा चिकन जो है कुक हो चुका है, यानी कि फ्राई कर लिया था हमने, तो फिर से लिड लगा देंगे और सिर्फ 5 मिनट्स तक कुक होने देंगे। थोड़ा सा लो फ्लेम रखिए और 5 मिनट्स के बाद हम थोड़ा सा कोरिएंडर के लीव्स के साथ गार्निश कर देंगे और 1 मिनट तक कुक होने देंगे। 1 मिनट के बाद चिकन बुखारा जो है बिल्कुल रेडी है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।